जा मैं सोने के। हाँ सो जी 5:30 हो रहे हैं, रोपड़ से निकल रहे हैं हम लोग। हटाओ ये, आ गया जी रोपड़ का फाटक। अरे इधर गुरु, इधर इधर बल्लू बल्लू बल्लू। चलो चलो चलो। ओ भाई ग्लव्स लिए पहन। बस अब यहाँ से कोशिश है नॉन स्टॉप बिना खाना खाए जाना है। लो जी निकल गए रोपड़ से, 5:30 का टाइम हो रहा है। उड़ान है अब, कुछ नहीं करना यार। लो जी कुराली कर दिया पास, पीछे छोड़ दिया है, खरड़ पहुंचने वाले हैं। एंड अभी कैमरा क्यों ऑन किया, अभी कैमरा इसलिए ऑन किया कि मेरा कॉलेज आ गया, तो यहाँ पे करी है मैंने अपनी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस कॉलेज की वजह से मैं आज बीटेक हूँ। भाई साहब जी ऐसा कुछ सिनेरियो है, हेडलाइट चल नहीं रही है, चेक इंजन लाइट चल रही है लाइट ज़रूर चल रही है लेकिन तो आगे कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। इसलिए मैं अपने भाई बंधुओं के पीछे पीछे या फिर आगे पीछे, मैं मतलब बीच में चल रहा हूँ, एक बंदा आगे एक बंदा पीछे, जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ बाकी गाड़ियों की लाइट अच्छी खासी है कि मैं निकल जाऊँगा तो मैं निकाल लेता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं इनको रास्ता पता लगता है नहीं लगता। ये है बनूड़, हाँ ये बनूड़ है। लो जी उनसे निकल आए हैं आगे, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ज़्यादा कुछ दिखाई देगा नहीं लेकिन यही है कि स्ट्रगल है भाई बिना लाइट के। अभी भी सिर्फ इस रास्ते की थोड़ी सी दिक्कत बची है, जो मेन ज़्यादा ख़राब वाला रास्ता था वो पीछे निकल चुका है, अब कम ख़राब वाला है ये, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रहता है। आ तो रहे हैं दोनों, बल्लू आ रहा मेरे पीछे पीछे। जब आप मेरे यहाँ चलाओगे ना तब मेरे को सबसे बढ़िया विजिबिलिटी होगी, वो भी आपको जरूरत वहां पड़ेगी जहां मेरे को आगे दिख नहीं रहा, जहां मैं खुद स्लो करके आपको बोलूंगा कि आगे आओ तब आपको जरूरत है, नहीं तो पीछे चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो नहीं 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 नहीं। अरे दिक्कत तो खत्म हो गई अब यार, यही तो रास्ता बुरा था, अब थोड़ी ना आगे से लाइट पड़ेगी ना कुछ होगा, अब क्या वैन जो सीधा सीधा सा हाईवे है। अबे लाइट इंजन लाइट जल जाती है यार, मैं छोटी लाइट जला लूंगा, मैं टेंशन मत ले, कपड़ा देना कपड़ा। जान मेरी ते कातों बदली है शायन। चलो लो जी हाईवे चढ़ गए हम लोग,
और अम्बाला से थोड़ा सा ही पीछे हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे हैं, अम्बाला बहुत पास है ये देखो 12 किलोमीटर। विद इन 15 मिनट्स हम लोग अम्बाला होंगे। अब लाइटिंग वाइटिंग की कोई दिक्कत होएगी नहीं और सामने से लाइट पड़ेगी नहीं, सिंगल रोड है नहीं। अब जो रिस्क है वो बहुत कम हो गया है, अभी तक जो रिस्क था वो था, बस अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रोड पे। और अगर कहीं रुकते हैं तो बताता हूँ, वैसे तो रुकने का प्लान है नहीं, दोनों कह रहे हैं कि भाई घर पे खाएंगे रात की रोटी, बस यही फोकस लेके चल रहे हैं और उड़ाते हैं भाई बढ़िया। बाकी गाड़ियों की हेडलाइट के रेमो क्रम पे चल रहा हूँ मैं, लेकिन बाइक चल रही है उड़ी उड़ी, क्योंकि जहाँ तक जहाँ मुझे नहीं दिखाई देता ना, मैं ऑटोमेटिकली खुद ही स्लो कर देता हूँ हल्का सा लेफ्ट में दबा के। अदरवाइज नहीं तो इतने व्हीकल तो है कि यार मेरे को लाइट की दिक्कत हो नहीं रही है। भाजी और बल्लू रह गए हैं पीछे, मैं भाई सही में बहुत ही ज़्यादा उड़ा रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मतलब उनके हिसाब से ज़्यादा यार, मेरे बाइक के हिसाब से ज़्यादा। बल्लू आ रहा है, बल्लू आ रहा है, बल्लू आ रहा है। ये देखो मेरे पास लाइट नहीं है लेकिन रोशनी की कोई कमी नहीं है रोड पे, थैंकफुली मेरे लिए अच्छा है। एक्सपीरियंसेस हैं साले, बन रहे हैं यार बिना लाइट के चलने के एक्सपीरियंस भी बन रहे हैं। खरड़ क्रॉस करते ही अंधेरा हो गया था, तो जी करनाल टोल आ गए, 8:15 हो रहे हैं, 8:20 मान लो। तो यहाँ से देखते हैं अब घर कितने बजे लगते हैं। बाइक कर रहा हूँ स्टार्ट, बाइक स्टार्ट करनी है। 2 मिनट रुक गए थे हम लोग, आगे भी चाय के लिए रुकेंगे। कैसे स्टार्ट हुई है, ओ भाई साहब ये बाइक सही मजे ले रही है यार मेरे। चलो सॉन्ग ऑन करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, जहाँ रुकेंगे वहाँ अपडेट करते हैं आप लोगों को। भाई साहब ये देखते हैं पता नहीं क्या हुआ है हाईवे पर, हम लोग भी अभी उस साइड से ही यू टर्न लेके रॉन्ग साइड गए और फिर उसके बाद इस तरफ को आए हैं सर्विस लेन में। पता नहीं हाईवे पर क्या हुआ है, क्यों सारी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। हाईवे ऊपर पूरा पैक हो रखा है, अब हाईवे खुल गया है ऊपर, पता नहीं क्या था, नोटिस भी नहीं करा हमने, शायद ऊपर हाइट पे था इसलिए नोटिस हुआ। चलो जो भी है, ऊपर भी ट्रैफिक खुल गया, नीचे तो हम लोग चल ही रहे हैं। लो जी हाईवे पे गए हैं चढ़, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। भाई सब बिना लाइट के उड़ रहे हैं, स्पीड दिखाता हूँ, लो कैसे ऑन रखता हूँ ना और थ्रॉटल आरपीएम जब डाउन चले जाते हैं तो फिर इंजन चेक लाइट जल जाती है, फिर इसे बंद करना पड़ता है पार्किंग लाइट को, फिर इंजन चेक लाइट जाती है, फिर दोबारा ऑन करता हूँ। और ये भी इसलिए ताकि मेरी आगे की पार्किंग लाइट जलती रहे, फ्रंट में जो हेडलाइट के नीचे होती है छोटी वाली, और पीछे टेल लैंप जलता रहे ताकि रात में पता रहे कि हाँ यार कोई व्हीकल आ रहा है या जा रहा है सामने। बड़ा मुश्किल काम है भाई, बड़ा मुश्किल काम है। करनाल और पानीपत का टोल पार कर चुके हैं हम लोग, मुरथल टोल आने वाला है, उसके बाद वहाँ पे आसपास कहीं रुकेंगे, चाय पियेंगे, कुछ हल्का बहुत खाएंगे। क्या ही उड़ा रहे हैं यार हम लोग,
शिवा ढाबा। ओ भाई टाइम क्या हो रहा है? पैंट लेके साथ में वार्मर, सबसे बेस्ट। अरे बढ़िया फायदा, ये पैन हो वो पैन हो, उससे अच्छा पैंट